हमारे पास आए। रोटी यानी कि उन कमोडिटीज जो खाद्य पदार्थ वाली कमोडिटीज है जिनमें अच्छा मूव आ रहा है, पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आशीष सर ने बलरामपुर चीनी की बात करी, उसके अलावा जयश्री टी अमरीश सर का पिक था और सुदीप सर ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे दाव लगाने की बात करी। कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल और चाइना के फैक्टर के चलते इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की बल्ले बल्ले होने की तैयारी हो रही है, ऐसे में स्पेस को रडार पे रखना है। केपीआर मिल्स था आशीष महेश्वरी सर का पिक, अमरीश सर ने रेमंड्स की बात करी और वर्धमान टेक्सटाइल्स पे दाव लगाया था सुदीप सर ने। मकान से हमारा मतलब था कमोडिटीज, कमोडिटीज सीमेंट और कमोडिटीज जैसे स्टील, इनमें दाव लगाने के मौके, और इनमें क्योंकि गजब की तेजी आ रही है बनता भी था। सेल पे दाव लगाया है आशीष महेश्वरी सर ने और कह रहे हैं अभी भी 50% कम से कम अपसाइड ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। नेलकास था अमरीश सर का पिक और अमरीश सर का कहना है भाई स्टील में बहुत उछाल आ गया था, ये स्टॉक अभी भी रिस्वॉर्ड फेवरेबल था, अट्रैक्टिव पिक लग रहा है। और फाइनली बिरला कॉर्प था इस कैटेगरी में सुदीप सर का पिक, सीमेंट की एक दिग्गज कंपनी जो इस समय सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। ये है वो रोटी कपड़ा मकान की थीम, ये है वो कमोडिटी की बेहतरीन पिक्स। स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में ट्वीट भी कर दूंगा, नोट डाउन करिएगा, इन स्टॉक्स पे दाव लगाने के मौके ढूंढिए। इस नोट पर आशीष सर, अमरीश सर, सुदीप सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट चुना है वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी हम लोगों को ये अट्रैक्टिव लग रहा है, 175 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो रोटी यानी कि चीनी, चावल, टी, कॉफी में जो सबसे ज्यादा पसंद स्पेस आ रही है वो है शुगर की, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग वो काउंटर जिस पे आपको दाव लगाना है। और शुगर पसंद, ये तो फैक्ट है, छोटे सेक्टर्स में सेक्टर लीडर्स के साथ रहना चाहिए या फिर अच्छा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक ऐसा स्टॉक। ओके, ये सच है, जयश्री टी ने ओवर द इयर्स एक रेंज में हमेशा काम करके दिया है, बहुत मीनिंगफुल अपसाइड्स देखने नहीं मिले। कोरोना के जो एक बाद में क्या एक सिनेरियो बना है कि लोग चाइना से अपने कपड़े या अपना प्रोडक्ट ज्यादा थे 800,000 शायद वहां तक पहुंच जाए। अरे वाह, तो डाउनसाइड कम है, अपसाइड पोटेंशियल तगड़ा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इस स्टॉक में। वाह, और आपने अब तक चाइना से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट, शिफ्ट केमिकल्स में सुना था और यही चीज अब टेक्सटाइल्स में हो रही है। केमिकल्स में तो गजब की तेजी आई थी, इसका फायदा एज कम्पेयर टू द अदर स्टील स्टॉक्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूव यहाँ पे आएगा एंड इनफैक्ट माई लेवल इज अबाउट 110। इंटरेस्टिंग, तो स्टील में बिरला कॉर्प वो सीमेंट कंपनी अपने रडार पे रखिएगा और एक ऐसा स्टील स्टॉक जो गजब के चौके छक्के जड़ रहा है, 50% के रिटर्न्स देने का दमखम रखता है सेल का स्टॉक, इसमें अभी भी खरीदारी करने के मौके, खरीद के चलिए।